हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होने में वक्त लग रहा है, काफ़ी महीनों से ट्राई कर रही हैं, या फिर अब आप काफ़ी ज़्यादा निराश हो रही हैं कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल मैथड बताऊंगी जिससे कि आप 100% नेचुरल कंसीवमेंट कर लेंगे फ्रेंड्स, वो भी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, हेल्दी प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला की जो पीरियड साइकिल होती है उसके अनुसार रिलेशन मेंटेन करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि रिलेशनशिप कब बनानी है, हमारा ओवुलेशन कब होता है, हमारा एक कब रिलीज होता है और हमें कब कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि हमें कंसीव हो जाए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि कंसीवमेंट का क्या मेथड होता है, जो हमारा बॉडी जो है उसकी मैकेनिज्म होती है। सबसे पहली बात यह है फ्रेंड्स कि महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वहां पे आपके गर्भाशय के अंदर ही काफी सारे मुख्य प्रजनन अंग होते हैं जो सहायक होते हैं आपको प्रेग्नेंट बनाने में। जैसे कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपका यूट्रस होता है उसके दोनों साइड दो ओवरीज होती हैं जो एक को प्रोड्यूस करने का काम एवरी मंथ करती हैं अल्टरनेटेड बेस पे, यानी एक महीने राइट ओवरी तो एक महीने लेफ्ट ओवरी काम करती है। इन दोनों ही ओवरीज को दो ट्यूब्स कनेक्ट करती हैं और जब आपकी एक मैच्योर हो जाती है, फॉलिकुलर डेवलप हो जाती है, उसके बाद ये ट्यूब इसे कैप्चर कर लेती है। उस ट्यूब के अंदर 12 आवर्स यानी 12 घंटे का टाइम होता है इस एक के पास, क्योंकि इसकी एक की लाइफ केवल 12 घंटों की ही होती है। एवरी मंथ ऐसा आपके साथ होता है और ये मिड ऑफ द पार्ट ऑफ आपकी पीरियड्स के साइकिल के अकॉर्डिंग होता है और उसी दौरान आपका ओवुलेशन होता है ताकि आप कंसीव कर सके 101%। बिकॉज ओवुलेशन के समय अगर सेल मिल जाते हैं एक के साथ तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स 2-4 दिन ऊपर आती है या 2-4 दिन नीचे आती है, तो ऐसी कंडीशन में ओवुलेशन ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो महिलाओं को काफी ज्यादा कैलकुलेशन मेथड में प्रॉब्लम आती है और इवेंचुअली हर महीने आपको ओवुलेशन किट का खर्चा उठाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स, जब आपके पीरियड्स एंड हो जाते हैं उसी के 2 दिनों के बाद आपको एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन बनाना चाहिए और पीरियड्स आने में लगभग 7 दिन बचे हुए हो तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं के शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है, कुछ महिलाओं की लॉन्ग पीरियड साइकिल होती है, तो आपको पता नहीं है इवेंचुअली कि आपके ओवुलेशन कब हो रही है। तो आपके लिए सबसे सिंपल और बेस्ट मेथड होगा, बिकॉज ऑफ दिस कि आपके एक के पास तो 12 आवर्स का ही टाइम रहता है, लेकिन जो सेल होते हैं, जो आपके पार्टनर से आपके पास आते हैं, वो मैक्स टू मैक्स 5 डेज तक लाइव रहते हैं। तो अगर आपके एक के आने के 2-3 दिन पहले तक भी आपने रिलेशन बनाया तो भी 100% प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, और अगर ओवुलेशन के 12 घंटों के अंदर भी रिलेशन बनाया है तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब आप एक एक दिन छोड़कर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर हमेशा सेल मौजूद होंगे और जब भी आपका एग निकलेगा उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा सेल के लिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जब ओवुलेशन होता है या फिर एक महिला ओवुलेट होती है तो उनको कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स होते हैं जो साइंटिफिक वेस्ट हैं, जैसे कि डिस्चार्ज का जाना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल में 1 साइड पेन होना, क्रैम्प फील होना राइट या लेफ्ट साइड, या फिर काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होना, हेडेक होना यानी सर में दर्द स्टार्ट हो जाना। इसी के साथ साथ कई सारी महिलाओं को ओवुलेशन के टाइम भी स्पॉटिंग की संभावना देखी जा सकती है, बट ये काफ़ी कम महिलाओं में होती है, 1% फीमेल्स में ही होती हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं मिड पार्ट ऑफ योर पीरियड, तो आप समझ सकती हैं कि ये कंसीव करने का सबसे बेस्ट मौका है, सबसे बेस्ट टाइम है, या फिर ओवुलेशन किट का भी आप सहारा ले सकती हैं, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में मेथड बताया कि आपके पीरियड्स के 2 डेज बाद ही आपको कंटिन्यूटी बेस पे, अल्टरनेट बेस पे कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए ताकि प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं बढ़ सके। तो आई रियली होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टिप होगी। इस बिहाफ पे काफ़ी सारी फीमेल्स में कंसीव भी किया है सक्सेसफुली, तो आप भी कंसीव कर सकती हैं फ्रेंड्स। इवेंचुअली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यूट्रस से रिलेटेड, हॉर्मोन से रिलेटेड, या फिर PCOD PCOS थायराइड से रिलेटेड, तो आप कंसीव करने में बिल्कुल भी देरी मत लगाइए, ये वाला सिंपल मैथड ट्राई करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई और भी जिज्ञासा है, अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए ताकि उसके मैं पर्सनली आंसर्स दे पाऊँ, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो, या फिर सेपरेट वीडियो ही मैं बना दूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।